बजट रेंज की आप कोई भी साउंड बार ले लें, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, आपको एक कॉमन प्रॉब्लम सारी साउंड बार्स में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, कि आपको उनमें बेस बहुत ज्यादा मिलेगी, उससे वोकल्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे और आपको डायलॉग सुनने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन बोट ने इस कहानी को पूरा बदल दिया है, क्योंकि बोट की ये वाली साउंड बार आपको देती है बेस्ट वोकल्स, बेस्ट क्लैरिटी, बेस्ट बेस एंड क्या सॉलिड आवाज करती है। मेरा नाम है विनीत बल्होत्रा और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं बोट की ओरायन का एक ट्रू व्यू, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है आपको। आप सोच रहे होंगे कि रिमोट तो बड़ा चमत्कारी है, पीछे की टेबल भी ऊपर आ गई। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, लेकिन आपको जो जानना जरूरी है वो ये है कि ये ट्रू व्यू है इस साउंड बार का। इसे बोट ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा, ना ही उन्होंने पैसे दिए हैं, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको सबसे पहले बताता हूँ इसकी लुक्स के बारे में, उसके बाद बताता हूँ क्यों इतनी चमत्कारी, मतलब वाकई टू गुड साउंड बार है ये। मर्सिडीज जैसे स्टार वाली ये साउंड बार के अंदर आपको बहुत ही शानदार और स्लीक लुक्स देखने को मिलती है। ये स्टार लाइट दोनों तरफ साउंड बार के ग्लो कर भी सकती है और अगर आप इसे ऑफ करना चाहें तो वो भी करा जा सकता है। सामने आपको मेटल ग्रिल देखने को मिलेगी और पीछे पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी और कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है बट दे आर गुड। मतलब आपको HDMI ARC मिल गया, ऑप्टिकल मिल गया, ऑक्स मिल गया, आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल गया। अब इससे ज्यादा आपको बजट रेंज की साउंड बार के अंदर और तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए आपको मैंने कहा इट्स गुड। सबवूफर की लुक्स भी बहुत सिंपल और एलिगेंट रखी गई है एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं साउंड बार और सबवूफर को, तो ये बोट की किसी भी और दूसरी साउंड बार से बिल्कुल अलग दिखती है और साउंड भी बिल्कुल अलग करती है। एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि बोट की कोई भी साउंड बार ले ले, चाहे वो किसी भी प्राइस रेंज की हो, आपको उनमें बेस ओवरपावर्ड मिलेगी एंड स्पेशली द अपर बेस, जिससे वोकल्स और डायलॉग सुनने में आपको थोड़ी परेशानी होगी, स्पेशली जब आप उसे अपने टीवी के साथ अटैच करके लगाते हैं। ऑब्वियसली सभी लोग अपनी साउंड बार को टीवी के साथ ही लगाते हैं, कौन सिर्फ ब्लूटूथ से गाने या भजन सुनने के लिए एक साउंड बार लेता है। आपको इस साउंड बार में वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इट हैज गॉट अ मैजिकल ट्यूनिंग इन इट। पर ये मैजिकल ट्यूनिंग, चमत्कारी साउंड बार, ये सब सारी बातें बाद में, आपको मैं सीधे इसका ऑडियो सैंपल पहले सुनाता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि ये साउंड बार एक्चुअली में, छोड़ो छोड़ो, आप सुनो। क्लैरिटी की बात कर रहा था मैं, एग्जैक्टली यही चीज है जो आपको बोट की किसी साउंड बार में नहीं मिलेगी। आप चाहे 7000 की ले लो, 8000 की, 10000 की, 15000 की, कोई साउंड बार के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मैं ये बहुत ओपनली कह सकता हूं कि अप टू 10,000 रुपीज की कितनी भी साउंड बार आप देख लीजिए, उनमें आपको ऐसी क्लैरिटी इस पंच के साथ नहीं मिलेगी। पंच सुना, एक और ऑडियो सैंपल सुनो, आपको इसमें पता चलेगा ये होता है पंच। अब आप कहोगे थोड़ा थोड़ा गाना सुनाया, पूरा तो सुनाया नहीं, मैं आपको पूरा भी सुना सकता हूं। हमने क्या करा, इस साउंड बार से जितने भी ऑडियो सैंपल्स हमने लिए, उन्हें रिकॉर्ड किया, उसे अपने ड्राइव पे अपलोड किया और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप उसे क्लिक करके अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो और आराम से सुन सकते हो। जरा अच्छा हेडफोन लगा के सुनना, तभी आपको पता चलेगा ये साउंड बार साउंड कैसा करती है। लेकिन अब मैं आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सबसे पहले आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अपर बेस से नहीं, ये साउंड बार लोअर बेस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार। आपको बोट के किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट के अंदर ये ट्यूनिंग नहीं मिलेगी एंड आई डोंट नो हाउ इन्होंने बहुत ही जबरदस्त ट्यूनिंग करी है इस साउंड बार की। आपको लोअर बेस बहुत ज्यादा पावरफुल मिलती है, जिससे आपको एकदम नीचे से ग्राउंड से अप आती हुई आपको बेस फील होगी, महसूस होगी एंड ये थंप जो आपको यहाँ पे मिलता है, आप ऑडियो सैंपल सुनना, आपको उसके अंदर मैंने एक सेविंग्स मी नाम का सॉन्ग दिया है। उन ऑडियो सैंपल्स के सेविंग मी सॉन्ग्स के अंदर आपको जो थंप मिलेगी, क्योंकि उस सॉन्ग में सारी लोअर बेस है, जो आपको मजा आएगा, जो आपको क्लैरिटी मिलेगी वोकल्स की, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि सारी की सारी पावर लोअर बेस में जा रही है, अपर बेस बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, जिससे आपको वोकल
टोनल्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं और क्लैरिटी कितनी जबरदस्त मिलती है, यानी हाई नोट्स इतने ज्यादा शानदार मिलते हैं दैट यू गेट गूज़बम्प्स। आपको एक एक छोटा छोटा नुआंस सुनने को मिलता है। एंड मैं हैरान इसलिए हूं क्योंकि ये 8000 रुपए की साउंड बार है। इस समय भी आप Amazon पे चेक करेंगे 8000 रुपीज के आसपास इसके प्राइस होगा और उस प्राइस रेंज के अंदर ये क्लैरिटी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं यार, सीरियसली। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो आप साउंड बार लोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीवी के साथ तो अटैच करोगे, तो हमने भी करा, आप भी सुनो और देखो। There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us. जानबूझ के मैंने आपको एवेंजर सुनाया क्योंकि मैं चाहता था कि आप डायलॉग क्लैरिटी को समझें, सुने, और उसके साथ साथ आप जब बीट्स को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायलॉग्स ओवरशैडो नहीं हो रहे, आपको बीट्स जो है वो भी सुनाई दे रही हैं और डायलॉग्स भी सुनाई दे रहे हैं। एंड दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार। आपको इस रिमोट कंट्रोल के अंदर भी बहुत शानदार ऑप्शंस मिलती है। सब वूफर की पावर यानी बेस को प्लस या माइनस आप कर सकते हैं एंड दे गो अप टू 12 नंबर, और आप ट्रेबल को भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। द रेकमेंडेड सेटिंग्स आर यू नो प्लस मैक्सिमम 12 फॉर बोथ ट्रेबल एंड बेस, क्योंकि उसी से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा इस साउंड बार का भी और सबवूफर का भी। उसके बाद आप वॉल्यूम से खेल सकते हैं, यू कैन प्ले विद द वॉल्यूम, कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस और अपने रूम साइज के हिसाब से। अब सीधा प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, इस साउंड बार के अंदर आपको बहुत जबरदस्त क्लैरिटी मिलती है। चार आपको ड्राइवर्स मिलेंगे और चारों ड्राइवर्स बहुत जबरदस्त साउंड करेंगे, चारों फ्रंट फायरिंग है ऑब्वियसली, और आपको जो 6.5 इंच का सबवूफर मिलेगा इसके टोटल आउटपुट को बना देगा 160 वाट का। एंड जेन्युइनली 160 वाट का पीक आउटपुट एक्चुअली में साउंड करता है, क्योंकि आप जब इसको बेस और ट्रेबल को प्लस पे मैक्सिमम पे रख के तब सुनेंगे देन यू विल रियलाइज कि आप किसी भी टाइप के जॉनरा के सॉन्ग को सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। अगर आप जैज सुनते हैं या क्लासिकल सुनते हैं या भजन सुनते हैं तो आपको क्या करना है, बेस को 12 से 6 पे ले आइए एंड इट विल वर्क फ्लॉलेसली, आपको मजा आएगा क्योंकि बेस कम हो जाएगी, सबवूफर का रिस्पांस कम हो जाएगा एंड द साउंड बार विल कीप डिलीवरिंग द सेम काइंड ऑफ नोट्स, उससे आपको मजा आएगा इस साउंड बार को सुनने का। आपको इसे टीवी से लगा के बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होगी बिकॉज यू विल नॉट मिस एनी डायलॉग्स, आप बीट्स को भी मिस नहीं करेंगे और आपको एक छोटे मोटे सिनेमा हॉल का फील या फिर एक्सपीरियंस भी होगा। आप इसे 150 स्क्वायर फीट के रूम तक बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और अगर आप पूरा वॉल्यूम कर देते हैं तो आपको सिनेमा हॉल पूरा बना देगा। आप इसे मेरे हिसाब से 250 स्क्वायर फीट तक भी इजीली यूज कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, जो लोग बोट के ऑडियो सिग्नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा बूम बूम बेस चाहिए, जिन्हें बेस सुनाई देनी चाहिए, उनके लिए शायद ये साउंड बार बिल्कुल भी सही नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड साउंड बार विद वेरी वेरी गुड बेस, लेकिन वो बेस आपको पहले महसूस होगी, थोड़ी सी सुनाई देगी। किसी भी ऑडियो प्रोडक्ट के अंदर आपको अपर और लोअर बेस दोनों मिलती है, लेकिन मेन फोकस जिस चीज पे रखा जाता है वो मैटर करता है सारी साउंड बार पे। इस साउंड बार पे मेन फोकस रखा गया है लोअर बेस पे और क्लैरिटी पे, विच इज अनलाइक बोट, अनलाइक बोट सिग्नेचर। आपको बोट के ऑडियो सिग्नेचर के अंदर हमेशा अपर बेस पे फोकस मिलता था, बट ये एक चीज कमाल है मेरे हिसाब से। ये कौन वेलकम कौन है और बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और ये बजट रेंज के अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट साउंड बार है जो आप खरीद सकते हैं 8000 रुपीज में, और इसका लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब भाई वेट मत करो, जल्दी जाओ मेरा लिंक यूज करना, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। याद रखना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है ऑडियो फाइल्स का, बड़ी मेहनत करके इस स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करी है सारे सॉन्ग्स जो कि अलग अलग जॉनरा के हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि ये साउंड बार ऐसी साउंड क्यों करती है, नहीं ये आइडिया लगेगा कैसी साउंड करती है ये आपको आइडिया लगेगा। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं साउंड बार या किसी और चीज के बारे में तो आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन साथ में ये भी बता देना आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन हमें, थोड़ा मॉरल बूस्टर भी मिलता है। और हाँ, मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू के अंदर बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।